गाइज आज तक आप लोगों ने हमारे फ्री फायर में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स देखेंगे, बहुत सारे लेजेंड्स देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको हमारे फ्री फायर के टॉप 5 किड लेजेंड्स दिखाने वाला हूं। गाइज आज मैं आपको हमारे फ्री फायर के 5 ऐसे लेजेंड्स से मिलाने वाला हूं जिनकी उम्र सिर्फ 8-10 साल है, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में अपना गेम प्ले इतना ज्यादा डेंजरस कर लिया है कि आज लोग उनको Y4 से कंपेयर करते हैं। 9-10 साल की एज में वो लोग बस फ्री फायर खेल के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और गाइज जब मैं आपको उन प्लेयर्स का फेस दिखाऊंगा ना तो आप लोग भी बोलोगे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इतना छोटा बच्चा और इतना अच्छा गेम प्ले। और हमारे लिस्ट के अंदर बहुत सारे इंडिया के भी किड प्लेयर्स हैं, तो आज की वीडियो को आप लोग तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। चलो फिर बिना देरी करें हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार आ रहे हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। चलो गाइस अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट डेंजरस किड लेजेंड ऑफ फ्री फायर नंबर 5। सो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है हमारे फ्री फायर का एक ऐसा लेजेंड जिसने फ्री फायर को सिर्फ 9 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट करा था, और उसके गेम प्ले की वजह से वो बंदा हमारे फ्री फायर में काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था। और अभी टाइम में उस बंदे की एज सिर्फ 12 साल है। तो गाइस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ द T2 गेमिंग, जिसने अपने गेम प्ले के दम पर अपने चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर कर लिए, और अभी के टाइम में ये एरो गेमिंग गिल्ड में भी हैं जो कि हमारे इंडिया की काफी बेस्ट गिल्ड है। और गाइस मैं आपको बता दूं T2 गेमिंग जो है वो फ्री फायर को बहुत पहले से खेल रहा है, मतलब जब उसकी एज सिर्फ 9 साल थी वो तब से फ्री फायर खेल रहा है, और अभी टाइम में जो उसका फ्री फायर का गेम प्ले है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, मतलब भाई इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो काफी सही है। हालांकि जो मूवमेंट स्पीड है वो उतनी ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन भाई 13 साल के बच्चे के हिसाब से इसका गेम प्ले बहुत अच्छा है। मैं जानता हूं गाइस आप में से मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनकी एज बहुत कम है और उनका भी गेम प्ले अच्छा होगा। गाइस आप लोग भी अपने चैनल पर अपने गेम प्ले वीडियो डाला करो और मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी एज लिख देना, और अगर मुझे आपका गेम प्ले पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का लूंगा। तो चलो अभी हम लोग ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं और बात करते हैं T2 गेमिंग। तो गाइस जैसे ही मैंने आपको बताया T2 गेमिंग की जो एज है वो अभी के टाइम में सिर्फ 12 साल है, और ये हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। हालांकि अफसोस की बात यह है अभी के टाइम में T2 गेमिंग ने अपने चैनल पर वीडियो डालना बहुत ही कम कर दिए हैं, और शायद इन्होंने फ्री फायर को भी खेलना कम कर दिया या फिर ऑलमोस्ट बंद कर दिया, क्योंकि लास्ट वीडियो इन्होंने अपने चैनल पर 11 महीने पहले डाल दिया। अभी बात आती है T2 गेमिंग की फेस की, तो आप लोग देख लो गाइस T2 गेमिंग जो है वो दिखने में कुछ ऐसा है, और यार इसको देखकर तो कोई भी नहीं बोलेगा ये बंदा फ्री फायर का इतना अच्छा प्लेयर होगा, उसके साथ में एक यूट्यूबर भी होगा। तो चलो गाइस अभी बातें तो बहुत हो गई हैं, आप लोग T2 गेमिंग का थोड़ा सा गेम प्ले देखो और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस आप लोगों ने देखा इतनी कम एज होने के बाद भी इस बंदे का गेम प्ले कितना अच्छा है, और गाइस अगर आपको लग रहा है भाई इस बंदे का गेम प्ले अच्छा है तो आप लोग अभी आगे रुको, क्योंकि हमारे लिस्ट में जो आगे प्लेयर्स आने वाले हैं उनका गेम प्ले तो और भी ज्यादा डेंजरस है। तो चलो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्लेयर की ओर, मोस्ट डेंजरस किड प्लेयर ऑफ फ्री फायर नंबर 4। गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर जो फ्री फायर का सबसे डेंजरस किड प्लेयर आता है उस बंदे का नाम है पाटिल गेमिंग। गाइस पाटिल गेमिंग जो है वो हमारे फ्री फायर के वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स में से एक है, क्योंकि उसकी जो एज है वो सिर्फ 12 साल है। अब मैं जानता हूं 12 साल सुन के आप लोग सोच रहे हो भाई 12 साल अगर इस बंदे की एज है तो उसका गेम प्ले इतना डेंजरस कहां होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस ये बंदा जो है वो भाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस खेलता है, और इस बंदे ने राइस्टार के साथ भी कस्टम कर रखा है। तो राइस्टार को तो आप लोग जानते हो, उसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आप लोग खुद सोचो जो बंदा राइस्टार के साथ कस्टम कर चुका है उसका गेम प्ले कितना डेंजरस होगा। और बात रही अगर पाटिल गेमिंग की फेस की, तो गाइस आप लोग देख लो ये फोटो जो है पाटिल गेमिंग के थंबनेल पर काफी ज्यादा यूज होता है, तो गाइस शायद यही जो है पाटिल गेमिंग है। नीचे 100% कंफर्म नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। चलो फिर अभी बातें तो बहुत हो गई है, अभी आप लोग पाटिल गेमिंग का थोड़ा सा गेम प्ले देखो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं। आप लोगों ने देखा पाटिल गेमिंग का जो गेम प्ले है वो कितना ज्यादा डेंजरस है। गाइस ये था लेजेंड नंबर 4। अभी हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हैं और सीधा बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की ओर, मोस्ट डेंजरस किड प्लेयर ऑफ फ्री फायर नंबर 3। सो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे जो हमारा लेजेंड आता है वो बंदा ब्राजील सर्वर का एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उसके साथ में काफी फेमस ई स्पोर्ट प्लेयर भी। गाइस ये चीज सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे, इस प्लेयर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कर लिए थे, और इसके अलावा इसने जो ई स्पोर्ट टीम भी ज्वाइन करी थी जिससे इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं लाउड थर्जन की, जिसके चैनल पर अभी टाइम में 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। इसकी जो एज है
वो सिर्फ 15 साल है, लिटरली भाई 15 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने चैनल पर 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कर लिए। और गाइस मैं आपको बता दूं, थर्डजिन जो है वो टीम लाउड का एक मेंबर है जो कि काफी बड़ी ऑर्ग है। ब्राजील के बहुत सारे फेमस यूट्यूबर और ई-स्पोर्ट प्लेयर टीम लाउड में। मैं आपको बता दूं गाइस, थर्डजिन जो है वो काफी सारे ऑफिशियल टूर्नामेंट्स भी खेल चुका है और ये बंदा ब्राजील का वन ऑफ द यंगेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो आप लोग बताना कि आपको थर्डजिन के बारे में पहले से पता था। और चलो इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मोस्ट डेंजरस किड प्लेयर ऑफ फ्री फायर नंबर 2। तो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर जो हमारा प्लेयर आता है, बंदे की एज अभी टाइम में सिर्फ 11 ईयर्स है। मतलब जिस टाइम पर उस बंदे ने फ्री फायर को खेलना स्टार्ट करा था तब वो सिर्फ 8 साल का था। तो गाइस यहां पर जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है पीएन सैयद, जिसका फेस आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो गाइस पीएन सैयद के अभी के टाइम में जो एज है वो सिर्फ 11 ईयर्स है, लेकिन इसके बाद भी ये बंदा हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट पीसी प्लेयर में से एक है, क्योंकि इस बंदे की जो मूवमेंट स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। लिटरली भाई अगर कोई भी बंदा पीएन सैयद का गेम प्ले स्पेक्टेड में देखेगा तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। इस बंदे की एज सिर्फ 11 साल है। पीएन सैयद जो है वो हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट गिल्ड प्रो नेशन में है, जिसमें एक से एक बढ़िया प्लेयर्स हैं। और चलो अभी ज्यादा कुछ बोलने से अच्छा सबसे पहले आप लोग पीएन सैयद का थोड़ा सा गेम प्ले देखो और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अरे भाई आप लोगों ने देखा ये था पीएन सैयद का गेम प्ले। और इस बंदे की गेम प्ले में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगी वो है इस बंदे की मूवमेंट स्पीड। भाई लिटरली बंदा इतना फास्ट खेलता है ना कि अगर इस बंदे के सामने 4 बंदे भी आ जाए ना तो ये 1v4 आराम से कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो ग्लू वॉल स्पीड है, गन स्विच स्पीड है, वो भी काफी फास्ट है। इन्हीं सब चीजों की वजह से पीएन सैयद आता है हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 2 पर। चलो गाइस अभी हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हैं और सीधा बढ़ते हैं हमारे प्लेयर नंबर 1 की ओर, मतलब कि मोस्ट डेंजरस किड प्लेयर इन फ्री फायर। सो गाइस हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर जो हमारा किड प्लेयर आता है उस बंदे का नाम है बेंडर। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जो है बेंडर को नहीं जानते होंगे, क्योंकि बंदा अभी टाइम हमारे फ्री फायर में उतना फेमस नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे पुराने प्लेयर्स हैं जो कि फ्री फायर को पहले से खेल रहे हैं उनको बेंडर के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि ये बंदा एक टाइम पर हमारे फ्री फायर में अपने पीसी गेम प्ले से बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि इस बंदे का जो पीसी गेम प्ले है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और काफी फास्ट है। गाइस बेंडर जो है वो मीना सर्वर से है, तो बेंडर ने वहां के काफी सारे लेजेंड लाइक विंसेंजो, बीएनएल इन सब के साथ भी कस्टम कर रखे। और गाइस ये चीज सुनकर शायद आप लोग शॉक हो जाओगे कि अभी के टाइम में बेंडर की जो एज है वो सिर्फ 15 ईयर्स है, मतलब ये बंदा सिर्फ 15 साल का है। तो आप लोग सोचो जब इस बंदे ने फ्री फायर को खेलना स्टार्ट करा था तभी बंदा कितने का होगा। और मैं आपको बता दूं गाइस 2021 में जब भी बेस्ट प्लेयर्स की बात आती थी तो गाइस मीना सर्वर के बेस्ट प्लेयर में बेंडर का नाम जरूर होता था। इस बंदे का जो गेम प्ले है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और उसी के साथ साथ इस बंदे की जो एक्यूरेसी है भाई वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल। अब चलो यहां पर ज्यादा कुछ बोलने से अच्छा मैं आपको बेंडर का गेम प्ले दिखा देता हूं, आप लोग खुद देखो भाई बंदा कितना खतरनाक खेलता है। And it's motivation, I need to make it. I'm bad with the desperation, anticipating whether I should hit it or not. She likes it when I'm hot, and I hit it on the spot. Yes, it is. तो गाइस आप लोगों ने देखा ये था बेंडर का गेम प्ले। और बेंडर का गेम प्ले देखने बाद आपको समझ में आ गया होगा इस बंदे को मैंने नंबर 1 पर क्यों रखा। वैसे गाइस किड्स प्लेयर के बारे में एक और वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग वो भी जाकर देख लेना। तो चलो गाइस इसी साथ में आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और भी ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।